हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का और इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते टाइम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से अटैच्ड है, इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन एंड नोन एज कैथोड, व्हाइल द अनदर इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर आयंस मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनोड। लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताती हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl मींस कि हमने मॉल्टन फॉर्म में NaCl को लिया है, तो इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ आयंस, Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में से कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनायंस विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन विल अकर एंड एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल अकर। इट मीन्स Na पॉजिटिव जब कैथोड पर मूव कर रहा है तो एट कैथोड वॉट विल हैपन, Na पॉजिटिव गेट रिड्यूस्ड बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स टू Na। नाउ इट इज कन्वर्टेड इंटू सोडियम मेटल। नाउ दीज Na सोडियम Na सॉलिड विल डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। एट एनोड वॉट विल प्रोसीड, एनोड पर कौन पहुँचा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड होने पर ये क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस हमें कैथोड पर प्रोडक्ट मिला सोडियम मेटल, एनोड पर प्रोडक्ट मिला क्लोरीन गैस। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। क्या हुआ, आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस व्हाट, कि आयंस आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी आयंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनोड। पॉजिटिव चार्ज आयन मूव्स टुवर्ड कैथोड एंड नेगेटिव चार्ज आयन मूव्स टुवर्ड एनोड। पॉजिटिव चार्ज आयन्स जब कैथोड पर गए हैं तो वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयन एनोड पर पहुँच करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट्स देते हैं। इट वॉज वेरी सिंपल एग्जाम्पल NaCl, इट हैज़ आयन्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जिसमें से Na पॉजिटिव मूव किया कैथोड पर और Cl नेगेटिव मूव करता है एनोड पर। Na पॉजिटिव पर रिडक्शन रिएक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बना, सोडियम मेटल, एंड दिस सोडियम मेटल विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड, इट मींस इलेक्ट्रोड। व्हाइल एट एनोड क्लोराइड आयंस विल ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस एंड क्लोरीन गैस विल डिपॉजिट विल लिबरेट इट एट एनोड। तो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ द NaCl, फ्यूज्ड NaCl एट कैथोड सोडियम मेटल, व्हाइल एट एनोड क्लोरीन गैस। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इफ वी हैव more than one cation and more than one anion, in this case there would be a competition which cation will reduce and which anion will oxidize. Got my point? अगर यहाँ पर एक कैटाइन, अभी तक तो एक कैटाइन और एक एनायन था, जो कैटाइन है वो रिड्यूस हुआ और जो एनायन है वो ऑक्सीडाइज हुआ। इफ देयर आर टू कैटाइन्स एंड टू एनायंस देन वॉट विल हैपन, बोथ विल नॉट रिड्यूस, बोथ कैटाइन्स विल नॉट रिड्यूस एंड बोथ एनायंस विल नॉट ऑक्सीडाइज। आउट ऑफ टू कैटाइन्स देयर विल बी कॉम्पिटिशन, वन विल रिड्यूस एंड वन अनदर विल रिमेन इन द इलेक्ट्रोलाइट, सेम विल द एनायन, बोथ एनायन विल नॉट बी ऑक्सीडाइज, वन एनायन विल ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइज एज प्रोडक्ट बट अनदर एनायन विल रिमेन इन इलेक्ट्रोलाइट। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट, हाउ कैन वी जज विच कैटायन विल रिड्यूस एंड विच एनायन विल ऑक्सीडाइज, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक मैथड है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग इन केस ऑफ कैटायंस हूज E naught reduction means what? Standard reduction potential. Jiska standard reduction potential high hai will reduce first as product and another will remain in electrolyte.
क्या बोला, अगर दो कैटायंस हैं तो आउट ऑफ टू कैटायंस हुज ई नॉट रिडक्शन वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है तो उसके रिड्यूस होने की भी टेंडेंसी आई है डेफिनेटली, और वो रिड्यूस पहले हो जाएगा और दूसरा कैटायन इलेक्ट्रोलाइट में रह जाएगा. सेम इन केस ऑफ एनायंस, अगर हम एनायंस की बात करते हैं तो हुज E not oxidation value means standard oxidation potential value high will oxidize first as product. And another will remain in electrolyte. So out of two anions जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट में रह जाएगा. तो बहुत सिंपल सी बात है, आउट ऑफ टू कैटायंस जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हायर है वो रिड्यूस होगा और आउट ऑफ टू एनायंस जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हायर है वो ऑक्सीडाइज होगा. एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय देयर ई नॉट रिडक्शन एंड ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यूज. देखते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. नाउ आई टेल यू example electrolysis of aqueous solution of electrolyte. मतलब aqueous solution का मतलब क्या हुआ, एक electrolyte तो है जो water में soluble है. let's suppose मैंने ये example लिया aqueous copper sulfate. यहाँ नज़र आ रहा है यहाँ पर CuSO4 तो है ही साथ साथ water भी है. इट मीन्स वॉट टाइप ऑफ आयंस आर देयर. और उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया है. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मीन्स दिस इलेक्ट्रोड इज इनएक्टिव. मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं. इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स मीन्स दीज इलेक्ट्रोड्स विल नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस. ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. अब कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, कॉपर सल्फेट आयनाइज होगा तो Cu++ आयन होना चाहिए, सल्फेट आयन होना चाहिए, एच पॉजिटिव होना चाहिए, OH नेगेटिव होना चाहिए और वाटर होना चाहिए. आउट ऑफ दीज एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो. वाई लो? यू नो दैट वाटर इज वेरी वेरी वीक आयनाइज्ड. जब वाटर आयनाइज्ड बहुत कम होगा तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन भी बहुत कम होगी. तो हम इसे कंसीडर ना करके क्या कंसीडर करने वाले हैं, H2O को. अब आउट ऑफ दीज आयंस Cu++ आयन मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड SO4 नेगेटिव आयन मूव्स टूवर्ड एनोड एंड वाटर तो है ही. इट मीन्स एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर एक तो Cu++ रिड्यूस होगा. Cu++ पहुँचा है कैथोड तक तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस हो जाएगा Cu में, मतलब कॉपर मेटल में. और यहाँ पर E नॉट रिडक्शन वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट. Cu++ के रिड्यूस होने के लिए कॉपर मेटल में E नॉट रिडक्शन वैल्यू इज 0.34 वोल्ट. अब वाटर भी है, वाटर ऑल्सो रिड्यूस्ड टू वट H2. ये आपको ध्यान रखना है, वाटर हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस किस में होगा, हाइड्रोजन गैस में. बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और OH नेगेटिव. नाउ इट इज़ बैलेंस्ड रिएक्शन और इन दिस केस ई नॉट रिडक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू -0.83 वोल्ट. वॉट इज दिस -0.83 वोल्ट. तो आउट ऑफ दीज टू, लुक एट दिस, देयर आर टू कैटायंस, मतलब दो स्पीशीज ऐसी हैं. वन इज Cu++ गेट रिड्यूस टू Cu एंड अनदर इज वॉट, H2O रिड्यूस्ड टू H2. राइट, आउट ऑफ दीज टू हुज रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज अ हाई, क्लियरली नजर आ रहा है Cu++. E naught reduction of Cu++ greater than H2O, that is which will found as product on cathode Cu. Clear हुई है बात. अब at anode पर देखते हैं क्या हुआ. anode पर पहुंचा sulfate ion का oxidation नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, सल्फेट के केस में सल्फर ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है.
सल्फर की प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है एंड इट कांट फर्दर ऑक्सीडाइज. अब ये दोबारा से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. अब क्या ऑक्सीडाइज होगा? H2O. H2O will oxidize to oxygen by loss of electrons. बैलेंस कर लेते हैं. O2 लिया है, इट्स मीन 2, 4H पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस किया, दिस वन. इट इज़ बैलेंस्ड रिएक्शन. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2O का. किस में? ऑक्सीजन में. अब यहाँ पर E नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू जो होती है, दिस इज -1.23 volt. You have to remember H2O reduced to H2 and E naught reduction value is -0.83 volt and H2 oxidized to O2 और E naught oxidation value is -1.23 volt. तो यहाँ पर तो कोई competition ही नहीं है. H2O will oxidized to O2. That's clear. अब यहाँ पर क्या हुआ? Cu++ reduced to Cu, H2O ऑक्सीडाइज्ड टू O2. तो नेक्स्ट सेल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं इन दोनों को मिला करके, तो नेक्स्ट सेल रिएक्शन क्या बनती है? Cu++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu एंड 2H2O आफ्टर ऑक्सीडेशन गिव्स O2, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H पॉजिटिव. बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल आउट. फाइनल नेट सेल रिएक्शन इज 2Cu++ 2H2O gives out O2 plus Cu plus 4H positive. Now, what are the result of the net cell reaction? In net cell reaction, Cu++ concentration decrease. Why? Cu++ converted into Cu. At cathode, copper metal deposit. कैथोड पर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रही है. एट एनोड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड. एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है. और इन इलेक्ट्रोलाइट एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. हमें प्रोडक्ट में क्या नजर आ रहा है? एच पॉजिटिव. तो प्रोडक्ट में एच पॉजिटिव नजर आ रहा है, इट्स मीन एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज. और अगर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो पीएच विल डिक्रीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को सम अप कर दें तो हमने क्या देखा? व्हाट टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर? Cu++ एंड SO4 2 नेगेटिव. एंड अगर हम बात करते हैं वाटर की तो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव. Cu++ गेट रिड्यूस टू Cu एंड ओ एच नेगेटिव गेट ऑक्सीडाइज टू O2. वॉट रिमेन? H2SO4 इन इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्यूशन इज एसिड. जब H2SO4 एज बाय प्रोडक्ट बचेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. तो इट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इज इन केस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मींस जब इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. वन मोर टाइम आई रिकॉल यू क्या हुआ. कौन कौन से आयन्स हैं यहाँ? कॉपर आयन Cu++, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड वाटर. इन दोनों का कंसंट्रेशन लेस है, दैट्स वाई हम किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने वाले हैं? H2O का. कैथोड पर Cu++ आयंस मूव करते हैं और सल्फेट आयंस मूव करते हैं एनोड साइड. Cu++ में रिडक्शन हुआ, E नॉट रिडक्शन वैल्यू 0.34 और H2O में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन वैल्यू इज स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू इज -0.83 volt. विच इज़ हायर वन? Cu++. इट्स मीन ये रिएक्शन कैथोड पर प्रोसीड होगी और H2O का रिडक्शन प्रोसीड नहीं होगा. एनोड साइड सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा. रीजन, सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. इट्स मीन किसका ऑक्सीडेशन होगा? वाटर का इनटू O2. और ये बात आपको याद रखनी है, E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज -1.23 volt.
तो फाइनली नेट सेल रिएक्शन के बेसिस पर जो हमने रिजल्ट दिए क्या क्या दिए, कॉपर एस प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एस प्रोडक्ट, कॉपर प्रोडक्ट एट कैथोड, ऑक्सीजन प्रोडक्ट एट एनोड, एंड एच पॉजिटिव रिमेन इन इलेक्ट्रोलाइट. राइट, तो कैथोड पर हमें क्या मिल रहा है, कॉपर. एनोड पर हमें क्या मिला, ऑक्सीजन गैस. Cu++ concentration decrease and H positive concentration increase. और अगर H positive concentration increase होगी तो pH decrease. Right? तो solution as it acidic होगा, जैसे जैसे reaction proceed होती जाएंगी, electrolytic cell proceed करता जाएगा, electrolytic solution का nature acidic होता जाएगा. अब यही अगर हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. अब मैंने यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ना लेकर के कॉपर इलेक्ट्रोड लिए हैं. तो कॉपर इलेक्ट्रोड लेने का पर्पस क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड. और अगर ये एक्टिव होगा तो इट विल टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रिएक्शंस. तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रिएक्शन में प्रोसीड होगा. अगेन व्हाट विल वी सी, Cu++ आयन, सल्फेट आयन एंड वाटर, सेम प्रोसीजर है जो अभी हमने देखा था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. Cu++ एंड H पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन लो. हम बिल्कुल सेम करने वाले हैं एट कैथोड, सेम रिएक्शंस प्रोसीड हुई एट कैथोड. सेम Cu++ गेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू गिव्स आउट Cu, और E0 रिडक्शन वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, एंड H2O रिड्यूस्ड टू H2, और इन दिस केस E0 रिडक्शन वैल्यू इज -0.83 वोल्ट. Cu++ के लिए E0 रिडक्शन हायर है वाटर से, तो कैथोड पर रिएक्शन हुई, Cu++ गेट रिड्यूस्ड टू Cu. अब बात करते हैं एनोड. एनोड पर भी सेम थिंग, सल्फेट विल नॉट ऑक्सीडाइज, रीजन मैं बता चुकी हूँ, सल्फर इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. H2O विल ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, एंड इन दिस केस E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू इज -1.23 वोल्ट. अब एक केस और है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड कॉपर है, और अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर मेटल, मेटल की भी तो टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होना. इट मीन्स कॉपर मेटल ऑल्सो कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट ऑक्सीडाइज टू Cu++. एंड इन दिस केस E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू इज -0.34 वोल्ट. Which is higher now? Now Cu, E0 oxidation of Cu greater than H2O. It means किसका oxidation होगा? Cu will oxidize to Cu++. इस case में Cu++ में oxidize होगा. क्या result निकल के आया? Cathode पर reaction हो रही है, Cu++ gives Cu. एनोड पर रिएक्शन हो रही है, Cu गेट ऑक्सीडाइज टू Cu++. वॉट इज नेट सेल रिएक्शन, Cu+Cu++ गिव्स आउट Cu++ टू Cu. मीन्स कॉपर ही ऑक्सीडाइज, कॉपर ही रिड्यूस. क्या मतलब नजर आ रहा है यहाँ से, ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में कॉपर आयन कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज ही नज़र नहीं आया. बट ये किस लिए यूज़ हुआ, ये यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में. प्यूरिफिकेशन अगर हमें इस मेटल का करना है तो हमें इम्प्योर मेटल रॉड लेनी होती है एज एनोड, और प्योर मेटल रॉड लेनी होती है एज कैथोड. इट मीन्स यहाँ से इम्प्योर मेटल रॉड से कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, एंड इट विल ऑक्सीडाइज टू Cu++. और ये Cu++ कहाँ आया, इलेक्ट्रोलाइट में. और अब यहीं से ये Cu++ गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर कैथोड एज कॉपर, रिड्यूस्ड टू कैथोड एज कॉपर. मतलब
copper metal, impure copper metal electrode का oxidation Cu++ में होना और वो Cu++ cathode पर जाकर के वापस reduce होना, this is purification. धीरे धीरे ये metal rod, impure metal rod, pure metal rod में convert होती जाएगी, ये thin होती जाएगी, ये thick होती जाएगी और impurities bottom पर collect होती जाएंगी as anode mud. तो ये तो था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम और कॉपर इलेक्ट्रोड सेपरेटली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है. तो आपको पोटेंशियल वैल्यूज याद रखने की नीड नहीं है, सिंपली याद रखना है कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे. और अदरवाइज आपको पोटेंशियल वैल्यूज गिवन हैं एग्जाम्स में, एग्जाम पेपर में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.